एक राज्य की प्रजा बहुत ही आलसी थी, जिसके कारण वहां का राजा बहुत दुखी रहता था। उसने कई बार अपनी प्रजा को आलस से छोड़ने के लिए समझाया, लेकिन उन लोगों पर उसकी किसी बात का असर नहीं पड़ता था। राजा अक्सर सोचता रहता था, अरे इस तरह तो मेरा राज्य कभी समृद्ध हो ही नहीं पाएगा। ये लोग कुछ काम करना ही नहीं चाहते, सबको बस मुफ्त की खानी है। एक दिन राजा ने प्रजा को आलस्य त्याग करने की प्रेरणा देने के लिए एक योजना बनाई। उसने अपने सैनिकों को एक व्यस्त सड़क के बीचों बीच पत्थर रख देने को कहा और आसपास ही छिपकर लोगों की प्रतिक्रिया देखने को कहा। सैनिकों ने वैसा ही किया। सुबह होने पर आने जाने वाले लोगों ने बीचों बीच सड़क में एक बड़ा पत्थर देखा। किसी ने उसे उठाने की कोशिश तक नहीं की। सब उसके आसपास से होकर निकल गए, चाहे उन्हें कितनी भी असुविधा क्यों ना हुई हो। उसे उठाने के बजाय कुछ लोगों ने तो क्रोध में बड़बड़ाना भी शुरू कर दिया, लेकिन किसी ने भी उसे हिलाने तक की कोशिश नहीं की। इसी तरह शाम हो गई। वह पत्थर वहां यूं का त्यों ही पड़ा रहा। तभी एक गरीब बच्चा वहां से गुजरा। उस पत्थर को देखकर उससे रहा नहीं गया और वह सोचने लगा, अरे यह इतना बड़ा पत्थर यहाँ बीच रास्ते में पड़ा हुआ है, सबको आने जाने में कितनी असुविधा हो रही है। मैं ही कोशिश करता हूँ कि इसे सड़क के एक तरफ कर दूँ, ताकि कोई भी बूढ़ा व्यक्ति या छोटे बच्चे आराम से सड़क को पार कर सकें। और ऐसा सोचकर वह उस पत्थर को वहां से उठाने की और उसे हिलाने की कोशिश करने लगा। यह देखते ही आसपास छिपे सैनिक वहां भागते हुए आए और उन्होंने उस बालक की मदद की। पत्थर के वहां से हटते ही बच्चे को उस स्थान पर एक थैली मिली। उसने वह थैली सैनिकों को देनी चाही, परंतु सैनिकों ने वह थैली उसे वापस कर दी और कहा कि इसे अपने घर जाकर खोलना, यह तुम्हारा इनाम है। जब बच्चे ने वह थैली खोली तो हैरान रह गया। वह थैली स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थी। उसके अंदर एक कागज भी था जिस पर लिखा था, उसके लिए जो इस पत्थर को हटाएगा। इस कागज पर राजा की मोहर भी लगी हुई थी। यह देखकर वहां के लोग बहुत शर्मिंदा हुए और उन्होंने अपने सिर झुका लिए। सैनिकों ने उस बच्चे को बहुत शाबाशी दी और लोगों को भी यह शिक्षा मिली कि यदि उन्होंने भी मेहनत की होती या मेहनत के बारे में सोचा होता तो यह इनाम उन्हें मिल जाता। लेकिन अब यह मेहनत का इनाम उस बच्चे को मिला था, इसलिए आगे से सभी ने यह प्रण किया कि वे आलस नहीं करेंगे। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।